अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अंसार अबी। आज हम धान की फसल के अंदर ग्रास ओपर, जिसको आम जबान में टिड्डा कहते हैं या टोका कहते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ग्रास ओपर के हवाले से कुछ इलम होना चाहिए, ये किस तरह का होता है। इसकी अगर रंग की बात करें तो ये भूरे रंग का भी होता है, मुटियाले रंग का भी होता है और सब्ज़ रंग का भी होता है। और साइज़ के हवाले से बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन, अगर जो बालग होता है वो उसका साइज़ एक उंगली के बराबर होता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो तकरीबन एक इंच के बराबर होता है। तो इसका ये अगर आपने देखना है कि ये जो है किस तरह से हमला करता है खेत के ऊपर, तो अगर आपने देखना है तो इसमें ये सबसे पहले जो है उसकी जो नोकें होती हैं, जो पत्ते की, अगर उसकी अगर किनारा देखें, अगर आप ये देख सकते हैं ये किनारा है, किनारों पे जो है इसने हमला करना होता है साइडों से, और जो है वो नीचे तक चला जाता है। तो इसने सारा के सारा जो है पत्ते को जो है टोटली तौर पर जो है वो खा जाता है ऐसे। तो आपको पता है कि अगर पत्ता ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि खुराक बनने का अमल जो है टोटल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और जिससे जो खुराक पत्ता भी लेता है और पूरे जो दूसरा पौधा होता है वो भी इसे खुराक ले रहा होता है। तो इसको आपने देखना है कि इसका जो हमला है वो कब होता है। तो इसका एक तो ये है कि जो खड़ा पानी जिस ज़मीन के अंदर मौजूद नहीं होता, और या फिर अगस्त और सितंबर के महीने में जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है वो हमला होता है। और इसका जब आपकी फसल के अंदर तकरीबन 3% तक इसका नुकसान हो जाता है, तो तब आपने जो है इसका स्प्रे कर देना, या अगर एक स्वीप के अंदर 5 बालग टोके आ जाते हैं, आप देख लेते हैं, नज़र आ जाते हैं आपके खेत के अंदर, तब आप इसका जो है वो स्प्रे कर सकते हो। अच्छा, आप इसको जो है वो, एक बात तो ये है कि आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अगर तो आप, पहली बात तो ये देखिए, बन्ने जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें बन्ने जो होते हैं ना, बन्ने इसको आपने, इसके अंदर जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, ये घास वगैरह होती हैं, इसको आपने जो है वो ख़त्म करना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इसके अंडे मौजूद होते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं इसके कीमियाई तरीका, तो उसमें आप कोई भी कर सकते हो, जैसे डेल्टामेथ्रीन होता है 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो, उसका स्प्रे करते हो, तो इसमें जितने भी ग्रास ओपर वगैरह होते हैं उसमें जो है वो ख़त्म हो सकते हैं।